देखिए, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट आते हैं, 2018 के रिजल्ट देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। और आज विंटर सेशन का पहला दिन है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको सदन में चर्चा, हर मुद्दे पर चर्चा की जाए। अच्छी बात है, तो मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में बार बार कहते हैं कि नेगेटिविटी विपक्ष लाता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पार्लियामेंट में आते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहते हैं, उनको पता नहीं होगा कि उन्हीं के सांसद हैं जो ट्रेजरी बेंचेस में काम नहीं होने देते हैं। इतनी भारी संख्या से आप चुनकर आए हैं, लोकसभा में आपके पास 300 से ज्यादा नंबर हैं, फिर भी आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष की बातों पर चर्चा नहीं होने देते हैं। महंगाई की बात हो, अदानी के भ्रष्टाचार की बात हो, मणिपुर की बात हो, मराठा रिजर्वेशन का आज मेरा मुद्दा है जो जीरो आर में मैं उठाऊंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की चर्चा करें तो यहां पर पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा डेमोक्रेसी।